अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंफोटेनमेंट बाय मोहम्मद मुकर्रम, और आज आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने लगा हूँ जिसकी हम सब लोग सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है। तो आज वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो ये है कि हम कैसे टिकटॉक की वीडियो को विदाउट यूज़र प्रोफाइल के नेम को डाउनलोड कर सकें, उसको सेव कर सकें और फिर हम कहीं पर भी शेयर कर सकें। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमने जो भी वीडियो अगर कोई हमें टिकटॉक पे पसंद आती है हम उसको सेव करते हैं। जब भी हम उसको सेव करते हैं तो वो उसके नाम से हमारे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड होती है। तो समटाइम तो ऐसा भी होता है कि किसी यूज़र ने अपनी सेव की ऑप्शन भी ऑन नहीं की होती तो फिर तो हम उसको डाउनलोड भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगर किसी यूज़र ने अपनी सेव की ऑप्शन बंद भी की हुई है तो तब भी हम उसकी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर सेव की ऑप्शन ओपन है और हम डाउनलोड करते हैं लेकिन वो साथ उसके यूज़र का नाम भी डाउनलोड हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो यूज़र का नाम डाउनलोड ना हो बल्कि विदाउट यूज़र के, विदाउट उसके नाम के वो पिक्चर, वो वीडियो हमारे पास सेव रहे। तो आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि हम कैसे किसी टिकटॉक वीडियो को विदाउट यूज़र नेम के, विदाउट उसके नाम के कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अभी टिकटॉक ओपन किया है, ये टिकटॉक की वीडियो फर्ज करें कि कोई भी मुझे पसंद आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत अच्छी वीडियो है, ये किसी और यूज़र नेम से है, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ। समटाइम तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूज़र ने अपनी सेव की ऑप्शन ओपन नहीं की होती, कुछ लोगों ने ओपन की होती है। तो अगर आपको पहले से नहीं पता कि आपने किसी की वीडियो कैसे सेव करना है, डाउनलोड करना है, तो आपने इस वीडियो को ऊपर टैप करना है, प्रेस करना है, यहाँ पर ऑप्शन आती है सेव की। अब इस यूज़र नेम ने अपनी सेव की ऑप्शन ओपन नहीं की हुई तो आप, तो फिर भी हम कैसे इसकी वीडियो को सेव कर सकते हैं, अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो हमारे पास इधर शेयर का बटन होता है आपने इधर प्रेस करना है, इस शेयर के बटन पर। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी कॉपी लिंक, कॉपी लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस कॉपी लिंक से क्या होगा कि हमारा जो लिंक है वो, अब हमारा वो लिंक कॉपी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे जाना है, गूगल क्रोम पे या कोई भी ब्राउज़र आपके पास आपके मोबाइल पे मौजूद है तो आपने उसको ओपन करना है। जैसे मेरे पास क्रोम है, मैं इस क्रोम को ओपन करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये लिंक ओपन है, तो इस वेबसाइट का नाम है ttdownloader.com। आप इस ttdownloader.com को ओपन करेंगे अपने अपने ब्राउज़र के ऊपर तो आपके पास ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। आपने क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से कोई डाउनलोड की थी तो उसका लिंक आ रहा है, आपने इस लिंक को पहले ख़त्म करना है। अच्छा, ये एक विंडो ऑलरेडी ओपन हो जाती है, आपने इसको बंद कर देना है। ये कोई एड्स होती हैं, इसको मैंने बंद कर दिया, वो साइड वाली विंडो को मैंने बंद कर दिया है। मैं आपको ये बता रहा था कि आपने कैसे पहले इस, जो मैंने पहले से लिंक था उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और जो मैंने लिंक अपना कॉपी किया हुआ था उस लिंक को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और पेस्ट का बटन आएगा, पेस्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो जो मैंने रिसेंटली अपने एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि उसका लिंक है और इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपने लिंक पेस्ट करके गेट वीडियो पर क्लिक करना है। गेट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो उस वीडियो को फाइंड करेगा, और आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रही हैं, नो वाटरमार्क, वाटरमार्क, ऑडियो ओनली। तो हमारे पास यहाँ पर इस वेबसाइट पर तीन ऑप्शन मौजूद हैं। नो वाटरमार्क से मुराद है कि हम कैसे उस यूज़र नेम के बगैर, यानी उस वीडियो में उसका यूज़र नेम नहीं आएगा और इस वीडियो को हम डाउनलोड कर लेंगे। वाटरमार्क जैसे नॉर्मली टिकटॉक में आप वीडियो सेव करते हैं लेकिन लोगों ने अपनी सेव के ऑप्शन ओपन नहीं की होती तो तब अभी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो ओनली, अगर आप चाहते हैं कि आप उस वीडियो की सिर्फ ऑडियो डाउनलोड करें तो आप ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड पर मैं टैप करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगी डाउनलोड लिंक, डाउनलोड लिंक पर मैं क्लिक करूँगा तो वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मुझसे पूछेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी वीडियो का नेम सेम होता है हर दफ़ा, तो मुझसे पूछेगा कि आप इसको दोबारा सेव करना चाहते हैं, तो उसको मैं यस कर दूंगा। ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है, क्योंकि इसकी हर दफ़ा फाइल का नेम सेव होता है, तो मुझसे कहता है डाउनलोड अगेन। अगर मैंने पहले कोई वीडियो डाउनलोड की है इसी वेबसाइट पर तो कोई बात नहीं, आपने डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देना है।
तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है इस वीडियो का। ऊपर यहाँ पर टाइम आ रहा है उसके साथ वो वीडियो डाउनलोड हो रही है। और ये टिकटॉक की वीडियोस की ज़्यादा कोई वेट नहीं होता, ये इजीली डाउनलोड हो जाती हैं, क्योंकि ये मोस्टली 15 सेकंड या 20 सेकंड या मैक्सिमम 3 मिनट की वीडियो, क्योंकि अब टिकटॉक पे ऑप्शन है 3 मिनट की वीडियो भी आप बना सकते हैं, तो वो 3 मिनट की वीडियो होती है। अभी शायद नेट की स्पीड स्लो है इस वजह से ये टाइम ले रहा है, वैसे ये इतना टाइम नहीं लेता। आप देख रहे हैं ये वीडियो डाउनलोड हो गई है, ये वीडियो इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसको मैं चेक करता हूँ अपनी गैलरी में जाके, क्योंकि गैलरी में जाके वो सही चल सकती है वीडियो। मैंने अपनी गैलरी ओपन की और यहाँ पर डाउनलोड्स, ये डाउनलोड के ऑप्शन में जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी, ये वीडियो सेम वीडियो आ गई है टिकटॉक पे, टिकटॉक की वीडियो मेरे पास। और आप देख सकते हैं कि इस मैंने इस वीडियो की ऑडियो ऑफ कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो पूरी डाउनलोड हो गई है और इस वीडियो में कहीं पर भी उस यूज़र का नाम शो नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि अगर हम किसी की वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो वीडियो जो है उसका यूज़र नेम साथ ना आए। तो ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताई है वो वेबसाइट, वो वेबसाइट क्या है, ttdownloader.com। वो ttdownloader.com को आपने ओपन करना है। उससे पहले आपने टिकटॉक की जो वीडियो थी उससे लिंक कॉपी करना है, वहाँ पर पेस्ट करना है, और वहाँ पर एक सबसे ऊपर ऑप्शन आती है विदाउट वाटरमार्क, विदाउट वाटरमार्क पर आपने टैप करना है और ऑप्शन आएगी डाउनलोड लिंक। डाउनलोड लिंक पर आपने क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।